दोस्तों आप सभी लोग का टेक्निकल माजिद यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो में केसी वैज्ञानिक चयन मंडल की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट्स निकाली गई है। जी दोस्तों, आप मुझे देख रहे हैं ASRB.org.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक स्क्रॉल करता हुआ जा रहा है, ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स मतलब AO एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर मतलब FAO एग्जामिनेशन 2021। जब आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको एक जो है कि नया टैब ओपन होगा। दोस्तों उसके बाद ये पेज ओपन होगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एग्जामिनेशन 2021 एंड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, क्लिक कर पर कर सकते हैं। फिर नोटिफिकेशन यदि आप देखना चाहते हैं, फाइनली चलिए हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कि नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में मैं क्लिक कर पर करता हूँ तो एक नया टैब में जो है कि यहाँ पर नोटिफिकेशन जो PDF है उसकी डाउनलोड होगी। तो यहाँ से देखिए PDF ओपन हो चुका है, मैं इसको जूम करता हूँ। ठीक है, किसी वैज्ञानिक चयन मंडल, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ पर जो इस फॉर्म को स्टार्ट किया गया है वो 23/7/2021 को स्टार्ट किया गया है और 23/8/2021 को 5 बजे समाप्त हो जाएगा। एंड इसका जो CBT टेस्ट होगा वो 10/10/2021 को होगा। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें कंफर्म कर दी गई है और हम लोग चलते हैं और नीचे। तो यहाँ पर जो वैकेंसियाँ निकाली गई, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, AOA के लिए टोटल जो वैकेंसियाँ निकाली गई वो 44 निकाली गई है। एंड जो है कि FAO के लिए 21 निकाली गई है, जो कि जनरल EWS SC ST OBC के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बांटे गए हैं कि कितने को कितना इसमें वैकेंसियाँ निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहां पर जो है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं और जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए यहां पर आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, आप इंडिया में किसी बोर्ड से पढ़े हो। ठीक है, उसके बाद आपको जो है कि थोड़ा बहुत वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, थोड़ा बहुत जो है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, यदि आप CCC वगैरह भी किए तो भी चल जाएगा, मतलब आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर के लिए भी वही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक, जिसमें आपको 55% मार्क्स होना चाहिए और कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक, तो ये हो चुकी है क्वालिफिकेशन, अब आपको मालूम हो चुका क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो है कि एज लिमिट देख सकते हैं, आपकी जो एज होनी चाहिए 21 से लेकर 30 साल तक होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर एज बिटवीन भी बताए गए। ठीक है, तो चलिए हम लोग और नीचे चलते हैं, यहाँ पर कैटेगरी वगैरह में कितनी छूट दी गई है वो भी बताए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर फ़ीस बताई गई है कि आपकी फ़ीस कितनी होगी, जनरल OBC NEWS के लिए 480 रुपये, 220 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, टोटल 500 रुपये फ़ीस है। ठीक है, उसके बाद वुमेन के लिए भी यहाँ पर बताई गई, नल है, सिर्फ ओनली रजिस्ट्रेशन फ़ीस 20 रुपये लगेगी। फिर ऐसे ही यहाँ पर जो है कि फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर के लिए भी वही सारी चीज़ें सेम है, वही सारी पेमेंट लगेगी, यहाँ पर कोई अलग नहीं है। तो दोनों के लिए यहाँ पर यदि आप दोनों को फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर दोनों को लगभग टोटल इतनी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो चुका है और हम लोग चलते हैं नीचे। तो जो यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, आपको फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, कब से कब तक अप्लाई करना है, यहाँ पर इंट्रक्शन वगैरह बताएंगे, वो मैं आगे आपको वीडियोज़ में बताऊँगा। तो चलिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हम लोग जान चुके हैं बेसिकली। और यहाँ पर एक जो है कि सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर बताए गए हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सेंटर है। तो जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे वो आपको चॉइस करना होगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे सेंटर बनाए गए हैं। तो चलिए, यहाँ पर लगभग हो चुकी है, आप नीचे आप सिलेबस वगैरह देख लीजिएगा यदि आप देखना चाहते हैं तो। ठीक, यहाँ पर सिलेबस आपको आ चुका है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो 200 क्वेश्चन का होगा, जिसमें जनरल नॉलेज वगैरह यहाँ पर बताए गए, आप उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आप पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे आपको सिलेबस वगैरह भी दिए गए हैं, आप जितनी यहाँ पर लोग ये सिलेबस ही देख रहे हैं, ठीक है, उसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये PDF में आपको सारी जानकारी हो चुकी है। चलिए अब हम जो है कि फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आपको मालूम है कि 20 रुपये लगता है। तो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, मैं इसको जो है कि यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर पहले स्टेप में आपको जो है कि रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद अप्लीकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर फोटो सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ID प्रूफ, फिर उसके बाद फी डिटेल, उसके बाद प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो हम लोगों के पास अभी रजिस्ट्रेशन ID है ही नहीं क्योंकि हम लोग ने अभी न्यू यूज़र हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन की बटन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग न्यू यूज़र हैं और पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, AO या फिर FAO या फिर दोनों के लिए? ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। यदि आपकी जो क्वालिफिकेशन दोनों में है तो आप दोनों के लिए कर सकते हैं, फ़ीस डबल हो जाएगी 1000 रुपये। यदि आप किसी एक का फिलअप करना चाहते हैं तो एक का भी कर सकते हैं। ठीक, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, उसके बाद फाइनली मैं जो है कि सबमिट की बटन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए ये हो चुका है, उसके बाद आपको टाइटल सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपके यहाँ मिस्टर मिसेस डॉक्टर जो भी हैं वो आप सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको यहाँ पर फुल नेम, आपका जो नेम है वो आप इंटर करिएगा। ठीक है,
इंटर करने के बाद आपको अपने फादर का नेम आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा, फिर जेंडर, फिर ईमेल आईडी, फिर कंफर्म ईमेल आईडी, फिर डीओबी आपको यहाँ पर इंटर करनी पड़ेगी। तो आपकी जो डीओबी आप यहाँ पर इंटर करिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी, उसके बाद पीडब्ल्यूडी यदि आप हैं तो यस पर क्लिक करें, सिटीजन ऑफ इंडिया यस पर, ये ऑटोमेटिक होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, आपको विलेज वगैरह फिल करना पड़ेगा, पिन कोड आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है विलेज, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है तो विलेज की जगह मेरा डिस्ट्रिक्ट हो चुका है तो मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये भी चीज़ें हो चुकी है, फाइनली मैं इस चेक पर क्लिक करता हूँ कॉपी हो जाए, क्योंकि मेरा दोनों सेम एड्रेस है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो चुकी है, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर इंटर करें, जो भी मोबाइल नंबर इंटर कर दें, तो मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया। उसके बाद फाइनली आप लोग यहाँ पर देखें सबमिट की बटन है, तो फाइनली जो है कि मैं सबमिट की बटन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग देखें आपको इस ईमेल आईडी पर जो है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भी शो हो रहा है, वैसे इस ईमेल आईडी पर भी भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप ये कि आपकी जो ये डीओबी आप इससे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप लॉगआउट होते हैं तो आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर और डीओबी से लॉगिन करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यदि आप यहीं से ही सेकंड पार्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं फाइनली यहीं से ही स्टार्ट कर देता हूं। यदि आप किसी तरह नेटवर्क किरारा हो जाती है, फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो ये आप लॉगआउट हो जाते हैं, तो आपको वही रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, इसी से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप सेंटर, आप कहाँ कहाँ पर सेंटर लेना चाहते हैं, तीनों आपको डिफरेंट फिलअप करना है, आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है। तीनों आपको एक ही नहीं रखना है, तीनों आपको डिफरेंट अलग अलग रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड एग्जामिनेशन आप कहाँ पर देना चाहते हैं वो आप, मैंने यहाँ पर च्वाइस कर लिया। उसके बाद आप एग्ज़ाम कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी व इंग्लिश, वो आप यहाँ पर च्वाइस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आइएगा नीचे और यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी पड़ेगी, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन एंड हायर ग्रेजुएशन यदि आपके पास है तो, बट आपको ये तीनों चीज़ें कंपलसरी, हाई स्कूल, इंटर व ग्रेजुएशन। तो आपको यहाँ पर देखिए सेलेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ पर सेलेक्ट करें फर्स्ट डिवीजन था फर्स्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड, आप किस बोर्ड से पढ़ें वो आपको यहाँ पर फिलअप करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है कि सिर्फ जी पी आप यहाँ पर अपना परसेंटेज यहाँ पर बता सकते हैं, आपका जो है कि परसेंटेज कितना था वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको मार्कशीट किस डेट में इश्यूज हुई है वो आप बता सकते हैं। ऐसे ही आपको जो है कि इंटर का भी फिलअप कर देना है, आप किस बोर्ड से पढ़े इंटर का भी ऐसे ही आप फिलअप करिएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही जो है कि इंटर का भी फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का भी ऐसे ही फिल करना है, फर्स्ट डिवीजन था तो फर्स्ट, यदि सेकंड था तो सेकंड, ठीक है। उसके बाद आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ें वो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो परसेंटेज था वो कितना था वो आप बता सकते हैं। उसके बाद आपको कब डिग्री इश्यूज हुई है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हो चुकी हैं हम लोगों की। अब हम लोग आते हैं नीचे और यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें क्लिक है, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर जो है कि क्लिक कर दीजिए, क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन को चेक करिए, मैंने ओके कर दिया। उसके बाद ये आपको कैप्चा मिल रहा है तो मैं ये कैप्चा फिल कर देता हूँ, ये मैंने फिलअप कर दिया। उसके बाद फाइनल जो है कि मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो डाटा लोडिंग प्लीज़ वेट, आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, अभी डाटा जो है कि लोड हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये भी चीज़ें हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एडिट करने का ऑप्शन मिला है, यदि आप एडिट करना चाहते हैं तो, यदि नहीं करना चाहते आप थर्ड पार्ट में जाना चाहते हैं तो गो टू पार्ट थर्ड पर क्लिक करें तो आप रिडायरेक्ट होकर जो है कि थर्ड पार्ट पर चले जाएँ। यदि आपको इस फॉर्म में जो गलती हो चुकी है तो जैसा कि मैंने बताया आपको एडिट के ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है तो एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर व फोटोज़ को अपलोड करना है। यहाँ पर साइज़ बताएगी 150 KB और यहाँ पर 80 KB मैक्सिमम होनी चाहिए। थंब इंप्रेशन की जो साइज़ है वो भी 80 KB होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप कोई आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पर देखिए चॉइस फाइल के अभी बटन मिलेगी, आप चॉइस फाइल पर क्लिक करें एंड फोटो चॉइस करें, उसके बाद अपलोड के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर ली है। यहाँ पर आपको गो टू पार्ट 4 का ऑप्शन मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करें और आप जो है कि रिडायरेक्ट होकर 4 वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है कि रिव्यू दिखाया जाएगा, उसके बाद स्टेप होगा पेमेंट करने का। तो आप इसको यदि प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, यदि आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, बट यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल पी अपनी कीबोर्ड से सिलेक्ट कर लेना है तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको पीडीएफ फाइल सेव कर सकते हैं। तो यदि अभी भी आप एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं। चलिए मैं आई एग्री के बटन पर क्लिक करता हूँ क्योंकि सब कुछ मेरा सही है, ठीक है। उसके बाद आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, डेबिट, क्रेडिट व नेट बैंकिंग व यूपीआई का ऑप्शन है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करें एंड सबमिट के बटन पर आप क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद आप आइएगा नीचे एंड यस आई एग्री एंड पे नाउ के बटन पर आपको क्लिक करना और यहाँ से जो है कि आपको अपनी पेमेंट कर लेनी है, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ से कोई भी आपको चॉइस कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ओपन हो रहा है फिलहाल, तो ओपन होने देते हैं। यहाँ पर आपकी जो पेमेंट है वो जैसे आप कैटेगरी चॉइस करेंगे वैसे ही पेमेंट यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ पर हर एक ऑप्शन मिल रहा है, डेबिट, क्रेडिट, एटीएम पिन, इंटर बैंकिंग, क्यूआर एंड यूपीआई। चलिए मैं यूपीआई सेलेक्ट करता हूँ एंड मेक पेमेंट के बटन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है।
दोस्तों आपको यहाँ पर नंबर एंटर करना है या फिर आप इसको QR का स्कैन करना चाहते हैं वो भी स्कैन कर सकते हैं एंड मेक पेमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुली काट ली जाएगी 500 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं एंड इसकी पेमेंट बहुत ही आसानी से कटवा सकते हैं। यदि हाँ दोस्तों आपको इस फॉर्म में फिलअप करने में कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको कमेंट जरूर करिएगा एंड अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे।